प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। बहुत पहले की बात है, एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने और बहुत उन्नति करे। इसके लिए वो बहुत मेहनत करता था, पर जब भी वो कोई काम शुरू करता तो कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती, कोई न कोई बाधा आ जाती और उसे काम को बीच में ही बंद करना पड़ता। वो बहुत परेशान और दुखी हो जाता। इस तरह कई बार असफल होने के कारण वो निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों न किसी ज्ञानी गुरु के पास जाया जाए और उनसे सफलता प्राप्त करने का रहस्य पूछा जाए। ये सोचकर वो गुरु की खोज में निकल गया। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात गुरु रामदास से हुई। वो गुरु जी के पैर छूकर सामने बैठ गया। उन्होंने उसके आने का कारण पूछा। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मैं जो भी कार्य आरंभ करता हूँ, किसी न किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाता। क्या आप मुझे सफलता का रहस्य बतलाएंगे? गुरु ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, ये रहस्य मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बता सकता। तुम्हें इसके लिए एकांत में चलना पड़ेगा। मैं रोज नदी के किनारे टहलने जाता हूँ, वहीं तुम मुझसे भेंट करो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। ये बात सुनकर श्याम बहुत प्रसन्न हुआ और शाम को नदी के किनारे पहुँच गया। जब गुरु वहाँ आए तो श्याम दौड़कर उनके पास आया और बोला, आप जल्दी से सफलता का रहस्य बता दीजिए, नहीं तो कोई ना कोई आ जाएगा। गुरु रामदास ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। श्याम ने वैसा ही किया। गुरु रामदास ने उसका हाथ पकड़ा और नदी के पानी में उतर गए। वो गहरे पानी में बढ़ते गए। जब गले तक पानी आ गया तो वो रुक गए और श्याम का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। श्याम अगले ही क्षण पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। तब रामदास ने उसके सिर को बाहर निकाला। सांस ना ले पाने के कारण वो हांफने लगा। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। जब वो सामान्य हुआ तब गुरु ने उससे कहा, जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया तो तुम बाहर निकलने के लिए क्यों छटपटा रहे थे? श्याम बोला, सांस नहीं ले पाने के कारण मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेने के लिए सिर बाहर निकाल रहा था। रामदास जी ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया सफलता का रहस्य क्या है? जिस दिन तुम काम को अपनी सांसों की तरह जीवन का अभिन्न अंग बना लोगे, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। इसके अलावा सफलता का कोई रहस्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया ना कि सफलता कैसे मिलती है? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।